हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, की हाल है जी तुहाडे कोल। सो पेपर नंबर आपां पहुंच गए जी तुहाडे कोल, पेपर नंबर 4, पार्ट नंबर 3। सो पेपर साडा 4 है जी, सैंपल पेपर, एदा पार्ट हैगा तुहाडे कोल 3। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी सेकंड पार्ट तुसी कर लिया होएगा, और ये सेकंड पार्ट सी पेपर 4 पार्ट सेकंड। ओके ठीक है जी। सो पेपर कहदा है जी 8th क्लास का हैगा। ठीक है, टॉपर कढ़ने आपां 8th क्लास विचों। ठीक है, सो तुसी ओही लोग देख रहे हो जिन्ना जिहड़े टॉपर होण दी संभावना दे विच हैगे ने, क्योंकि नहीं तां इन्ना कोई एफर्ट नहीं करता हैगा कि वह एक्सट्रा चीज़ां जिहड़ियां हैगियां देखे। ठीक है जी। सो शाबाश है जी, तुसी लैक्चर देख रहे हो तुहाडे को। ठीक है, हुण आपां देखिए, कहिंदा क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सौखे ने। किसी वस्तु का खरीद मुल इन्ना है जिस नूं वेचा गया। देखो, वधा के वेचा, वधा के वेचे तो 600 चो 500 रुपये घटा दो, 100 रुपये का आपां नूं फायदा होया, तो लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब हुंदा उपर लाभ लिखो, नीचे खरीद मुल लिखो। खरीद मुल ते लाभ या हानि हुंदी है, गुणा तुसी 100 कर दो। अब लाभ किन्ना होया, देखो 500 दी खरीद के 600 दी वेची है, तो लाभ तो होया 100 रुपया। खरीद किन्नी सी, 500 सीगी, ते गुणा 100 सी। आ दो जीरो, आ दो जीरो ना कटेंगे, 5 दे पहाड़े ते 100 आंदा है, 5 एकम 5, 20 5 100। सो 20% आंसर आ गया। ठीक है जी। सो इजी है जी, 1/4 नो प्रतिशत विच बदलो। 1/4 लिख लिया, गुणा 100 कर दो, 4 एकम 4, 25 चौका 100। सो 25% आ गया जी तुहाडे को। ठीक है, सो ये भी बहुत सौखा है। कहिंदा जेकर मूलधन इन्ना होवे, दर इन्नी होवे, समा होवे, तां सधारण ब्याज पता करो। सधारण ब्याज का फार्मूला की हुंदा, जिहड़ा साधारण ब्याज का फार्मूला हुंदा है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। ठीक है, जे मूलधन मूलधन नूं प्रिंसिपल कहिंदे ने, दर दर नूं आर कहिंदे ने, सालाना समा आए। सो प्रिंसिपल किन्ना थोड़ा जी, 500 रुपये। दर दर नूं रेट कहिंदे है ना, RATE रेट, आर तो दर हैगी है जी 2%, है ना। समा किन्ना हैगा जी, 3 साल, बटा हैगा 100। आ दो जीरो ना, दो जीरो कटेंगे, 5 दूनी 10 30 30। सो 30 रुपये ब्याज लगे जी। है कि नहीं ईजी, जमा ही ईजी है। हौसले ना लगे रहो, कुछ भी नहीं है इन्हें चीज़ा चौखा। हेठ लिखियां विचों केड़े समान पद है, समान पद मैंने भी इक्को जिहियां चीज़ा, इत्थे एक्स इत्थे वाई, ये नहीं हो सकता, इत्थे जेड इत्थे जेड स्केयर नहीं हो सकता, पी है इतने पी क्यू नहीं हो सकता, एम एन है ये भी एम एन। सो आ हो गए जी समानता। ठीक हो गया जी, अगले क्वेश्चन ते आ गए। कहना समानता चतुर्भुज विच जेड का मुल पता करो। आ है जी समानता चतुर्भुज जेड। सो जे समानता चतुर्भुज जेड है, तो समानता चतुर्भुज आ वाली पैरल, आ लाइन पैरल होंगे, समानतर होंगे, आ लाइन तो आ समानतर है, तो समानतर लाइना के जे हूँ तुम ए लिखोगे थोड़े को, ठीक है, समानतर लाइना तो ऐ एक लाइन कटे, तो ये उपरला ये उपरला बराबर, इन्होंने असं संगत कोण कहते हैं, कोरसपोंडिंग एंगल। सो जैड बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। एक तरीका होर हों की हों, बे लागवें कोणा का जोड़ 180 होंगे, आ 80 है तो 100 आजू, 80 आजू, बस बैटर ऑप्शन ये हैगी है लागवें कोण, संगत कोण। ठीक है जी। सो संगत कोण वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा बैटर ऑप्शन है। सॉरी, तो इनू गुणा करनी है, बेसेम होगा घात ऐड होंगे, 3 नू 2 ना गुणा की, 3 दूनी 6 हो गया, घात ऐड हो गई, 2 च 20 जुड़ गया। तो आंसर आ गया 6A 22, 6A 22। सो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सबन आंदा जी, गैस करो, तुम ए माइनस बी का स्केयर खोलते हो, तो अगे पिछे लिखे तो कोई फर्क नहीं गा, बट पहला ए स्केयर होंगे, फिर बी स्केयर, फिर -2ab। सो माइनस मिस है, इतने माइनस है तो माइनस आएगा +2ab। सो एक्स इज इक्वल टू ते व्यंजक का मुल पता करो। ये एक्स इक्वल टू ते है, सो पहला मैं इनू लिख लो, इतने मैं एक्स की थां ते भर दा 2। ओके, फिर मैं एक्स की थां ते 2 भर दा, इतने 3 है। सो 3 विचों जो 2 कटणगे तो डेफिनेटली माइनस का 1 आएगा। सो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसल हो गया, आंसर 0। सो आंसर 0 रहेगा। ठीक हो गया जी। सो चलिए जी, कहिंदा इन्हां दा जोड़ करो, और जोड़ करन लई देखो टर्मां किहड़ियां वधियां ने। सो मैं कलर चेंज करदा जी, तां जो तुहानूं क्वेश्चन पहचानण च दिक्कत ना रहे। सो आह वाला क्वेश्चन है जी, इह इत्थे लिख रहे हां,
एक्स वाई माइनस वाई जेड इच जोड़ना की वाई जेड जेड एक्स इहदे विच की जोड़ना है जेड एक्स माइनस एक्स वाई आ प्लस एक्स वाई है आ माइनस एक्स वाई कैंसल आ प्लस जेड एक्स ए कैंसल ए प्लस ए कैंसल तो आंसर की आ गया जीरो तो आंसर आ गया जीरो तो जीरो थोड़ा आ रहा ठीक है गुणात्मक उल्ट दसना जे ए दी पावर एम होवे ना पावर च होवे तो गुणात्मक उल्ट उहदा माइनस हुंदा जे ए दी पावर माइनस होवे तो गुणात्मक उल्ट प्लस हुंदा सो इत्थे की है माइनस दो ते दा प्लस दो हो जाएगा पावर आदि घातां विच गुणात्मक उल्ट इदां कढ ली दा ठीक है आ वाला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नीचे करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे पास मैं कलर चेंज कर दिंदा जे कोई कन्फ्यूजन ना रहे तुहानूं तो 28 नंबर क्वेश्चन दे विच आपां एरो ले आईए एवें कलर चेंज हो गया हाँ हो गया 3 दी पावर 0 हो गया 1 3 दी पावर 0 हो गया 1 4 दी पावर माइनस 1 है माइनस हटाना होवे 1 बटा 4 2 दी पावर 2 2 दी पावर 2 2 दूनी 4 4 ने इन्ना गुणा खानी है पहला 4 ने 1 नाल गुणा खानी है फिर 4 ने 1 बटा 4 ना इहदे नाल कैंसल ठीक है 4 एकम 4 जमा 1 5 सो 5 आ गया ठीक है जी लास्ट क्वेश्चन 5 दी पावर माइनस 4 हैगा जी इत्थे माइनस 5 हैगा तो आधार इको जो होवे तो घातां जुड़दियां ने तो 9 वाला तो कोई रोला ही नहीं गा ना अपने को क्वेश्चन च ना 3 वाला कोई रोला देखो किन्नी वधिया ऑप्शन ने आधार सेम घातां जुड़नी है 5 4 9 नेगेटिव तो हो जाने 5 दी पावर चू 9 9 3 तो वैसे ही नहीं आना सो क्वेश्चन ना भी आंदा होवे बंदा तुक्का मार दंदा ठीक है जी सो इत्थे तक कर लो जी बाकी आपां नेक्स्ट वीडियो च कर दांगे ठीक है जी सो जे अच्छा लग्या तां अपने दोस्तां मित्रां नूं शेयर कर दिओ ते जे सबसक्राइब नहीं कीता हैगा तां कर लो अगलियां सारियां क्लासां लई मौज हो जाणी ठीक है जी थैंक यू